सो ही गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था चेन के साउंड के रिगार्डिंग, तो उसमें मैं वीडियो डालना भूल गया था। तो अभी मैं इसका साउंड सुनाने वाला हूँ कि कैसे इसका साउंड आ रहा था। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना तो ज़रूर देखना, जो चेन के रिगार्डिंग थी, या फिर ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ चेन का कि फर्स्ट सेकेंड गियर में कैसे आवाज़ नहीं करती है चेन, और उसके बाद जब गियर शिफ्टिंग गियर बढ़ाते हैं हम थर्ड फोर्थ पे जाते हैं उसके बाद वो साउंड क्रिएट करता है। तो लेट मी शो यू। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स हैं ग्रुप्स के, तो वहाँ पे सारा डिस्कशन होता है कि क्या कोई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फिर सजेशन चाहिए होता है किसी को कि मुझे रनिंग खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन है उनके रिगार्डिंग ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप वो ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बिकॉज इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस, अभी मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है तो इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है थोड़ा ज़्यादा है, उसके चक्कर में वो साउंड दब जाता है। अभी देखो, इसमें मैं बीप का साउंड बता रहा था, एक अब सुनना ध्यान से। अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो एक बीप का साउंड भी आ रहा है। और अभी मैं चेन का साउंड सुनाता हूँ आपको, अभी बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर। अब जैसे ही मैं गियर्स बढ़ाऊँगा, अभी देखो ठीक है, यहाँ से कर कर का साउंड आ रहा है। ठीक है, अब एक और बढ़ाते हैं, वो साउंड यहाँ से आता है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से जो चेन रोटेट होकर जा रही है ना, तो यहाँ से वो साउंड आ रहा है। अब आपको देख लो, आप चौथे गियर में भी भाई गियर में देखो कितना ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो आई होप आपको साउंड सुनाई दिया होगा। तो अभी मैंने इसका ल्यूब थोड़ा ज़्यादा कर दिया था लास्ट टाइम पे, और बाइक काफ़ी गंदी हो रखी है अभी, तो मैं एक बार वॉश कराने जा रहा हूँ बाइक को, और उसके बाद इसको वापस से थोड़ा ल्यूब करूँगा, और उसके बाद चेक करूँगा कि साउंड जो है वो अभी भी इतना ही रहता है या फिर कुछ फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर। तो एक बार मैं इसको वॉश कराने जा रहा हूँ, इसको वॉश कराया काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 800 किलोमीटर्स हो चुके हैं, तो मैं पहले वॉशिंग भी जा रहा हूँ, फिर देखते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है। बाइक वॉश हो गई है और मेरे पास अभी ये चेन का ल्यूब्रिकेंट है, तो एक बार पहले टेस्ट करते हैं कि वॉश के बाद कितना साउंड डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं बाइक एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, तो एक बार अभी नॉर्मल ऐसा आ रहा है फर्स्ट में, ऑलमोस्ट सेम सही साउंड आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो, अभी सेकंड गियर के अंदर है बट अभी कोई साउंड नहीं है, जैसे ये थर्ड में जाता है साउंड आना चालू होता है। तो एक बार ल्यूब कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, मैं एक बार सेट कर लेता हूँ ये। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम दो जगह से कर सकते हैं, तो यहीं से कर रहे हैं। फिर से गियर शिफ्ट बढ़ा के देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है उसके अंदर। तो वो पूरा एक बार चल गया है, अब एक बार वापस से चेक करते हैं। ये देखो साउंड, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना ल्यूब करने से ना वॉश कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज चेन का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सेक्शन के अंदर है, तो इस सेक्शन को रिजॉल्व करना ज़रूरी है। बहुत बड़ा इशू नहीं है बट स्टिल इस साउंड के साथ नहीं रह सकते, ये साउंड रिजॉल्व होना ज़रूरी है।
गाइस ये था पूरा। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है वो कंप्लेंट ज़रूर रेज करना TVS के सपोर्ट पे और आस्क देम कि ये इशू क्यों आ रहा है और वाई लाइक वर्कशॉप पे पीपल आर नॉट अवेयर कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना और देखते हैं कितना जल्दी इसका रेजोल्यूशन मिलता है TVS से। और बाकी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जो भी भाई इस प्रॉब्लम को लेके अगर रॉनिन को लेने की नहीं सोच रहे हैं तो भाई ऐसी मिस्टेक मत करना, बिकॉज ये बहुत छोटा सा इशू है जो रिजॉल्व हो सकता है आज नहीं तो कल। TVS अगर नहीं भी करता है तो हम किसी और ब्रांड से करवा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी चीज़। तो ऐसा मत सोचना कि चेन का साउंड आ रहा है तो बाइक ही नहीं खरीदनी, गो फॉर इट, इट्स गुड वैल्यू फॉर मनी। और इसमें जो फीचर्स दिए ना वो और बाइक में नहीं मिलेंगे आपको किसी में भी। तो जस्ट थिंक केयरफुली एंड आपका पैसा है जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा रॉनिन लेने के लिए आज भी, भले ही मुझे एक दो इशू फेस करने पड़े बट दोज आर नॉर्मल बिकॉज TVS का ये पहला प्रोडक्ट है इस सेगमेंट का, तो टाइम लगता है चीज़ों को बिल्ड करने के लिए। तो ये कोई मैं बहुत कमियाँ नहीं बता रहा हूँ बट जो एक्चुअल में है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मे बी वीडियो कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर देखेगा जो इस चीज़ को सीरियसली लेगा काफ़ी और फ्रॉम TVS, तो इसको इतना जल्दी हो सके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं भी इसी की उम्मीद में हूँ। अगर किसी को भी इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया जो मेरी वीडियोज़ देख रहा है तो प्लीज़ मेंशन करना कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ग्रुप का उसमें ज्वाइन करना और वहाँ वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।